हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस समय छत्तीसगढ़ का रेंट कंट्रोल एक्ट ऑफ 2011 कंप्लीट कर रहे हैं, और इस वीडियो से पहले मैं दो वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं जिसमें सेक्शन 10 तक पूरा कंप्लीट किया गया है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 14 है, और होपफुली आज का जो वीडियो होगा ये आपका लास्ट वीडियो है, ठीक है। इसमें आपका छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार ज़रूर गो थ्रू करिए। ये एक्ट काफ़ी सिंपल है और इससे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैंने बताया आपको, प्रीवियस ये क्वेश्चंस उठाए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं ये सब कुछ बताया है, ठीक है। तो प्रीवियस के दोनों वीडियो देख लीजिए और आज का ये वीडियो देख लीजिए। तीन वीडियोस में आपका छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 11 से। देखिए, सेक्शन नंबर 11 बात कर रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर के बारे में। एग्जीक्यूशन, देखिए, जब भी कोई ऑर्डर पास कर देगी ट्रिब्यूनल, है ना, तो अब बारी आती है उसको एग्जीक्यूट कराने की। सिर्फ ऑर्डर पास करने से कुछ नहीं होता ना, तो ये अथॉरिटी किसके पास है कि वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा सके, तो ये अथॉरिटी है रेंट कंट्रोलर के पास। क्या लिखा हुआ है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11, द रेंट कंट्रोलर शैल पास द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी। मैंने यहाँ पे अगेन फिर से मेंशन करना चाहूँगी कि जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो मैंने कंसाइज फॉर्म में यहाँ पे मेंशन की है, मैंने एज इट इज़ बेयर एक्ट के लैंग्वेज को नहीं लिखा है, ठीक है। ईजी लैंग्वेज में लिखा है जिससे आपको क्या है समझ में आए, ठीक। तो पहला सबसेक्शन ये बोलता है कि जो रेंट कंट्रोलर होते हैं वो पास करेंगे ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, और एप्लीकेशन कौन लगाता है, तो कोई भी पार्टी एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि कौन सी अथॉरिटी ऐसी है जो रेंट जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पास करेगी, तो दैट अथॉरिटी इज रेंट कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जीक्यूशन किस किस तरीके से हो सकता है, तो इसमें एक ही आता है अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपोजिट पार्टी। जिस पार्टी के अगेंस्ट में ऑर्डर गया है, वेदर इट्स टेनेंट और लैंडलॉर्ड, उनका जो प्रॉपर्टी है उनकी जो मूवेबल या इमूवेबल दोनों यहाँ पे इंक्लूड की जा रही है, ये भी ध्यान रखना है। उनको सेल भी करा सकती है कोर्ट, और या फिर उनका अटैचमेंट भी करा सकती है, ये चीज़ ध्यान रखना है। देखिए, जो आपके CPC में एग्जीक्यूशन है सेम यही चीज़ यहाँ पे भी है, तो अगर आपने CPC का एग्जीक्यूशन देखा है तो आपके लिए ईजी होगा। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अरेस्ट एंड डिटेंशन। एक पॉइंट क्या हुआ, अटैचमेंट या सेल हो सकता है ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा है अरेस्ट या फिर डिटेंशन हो सकता है ऑपोजिट पार्टी का। ऑपोजिट पार्टी ना अपने मूवेबल इमूवेबल को वो ना अटैच करने दे रही है ना सेल करने दे रही है, हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रिब्यूनल जो है वो ये ऑर्डर कर सकती है, रेंट कंट्रोलर ये ऑर्डर कर सकते हैं कि अरेस्ट या फिर डिटेन कर लिया जाए ऑपोजिट पार्टी को। उसके अलावा देखिए, अटैचमेंट ऑफ एनी वन और मोर बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट को अटैच कर सकते हैं। अटैचमेंट ऑफ सैलरी एंड अलाउंस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो जिसके अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है, तो उनकी सैलरी अलाउंस इसको अटैच करने का ऑर्डर दे सकते हैं। अपॉइंट करेंगे एनी एडवोकेट एज कमिश्नर, कमिश्नर अपॉइंट किए जाएंगे ताकि वो हेल्प कर सके ट्रिब्यूनल की इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने में। डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ द प्रमाइसिस टू द एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट है उसको डिलीवरी करे, मतलब उसको पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, पोजीशन ऑफ द प्रमाइसिस वो डिलीवर की जाएगी, ये भी वन ऑफ द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन है। उसके बाद सबसेक्शन 2 आता है। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, द कंट्रोलर मे रिक्वायर द हेल्प फ्रॉम द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है यानी जो पुलिस वगैरह है, उनसे भी कंट्रोलर हेल्प ले सकता है ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, इफ़ द टेनेंट डज नॉट वैकेट द प्रमाइसिस। अब क्या होता है कि जो टेनेंट है वो प्रमाइसिस को, वो उस घर को वैकेट नहीं करते, छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ नहीं रहे हैं, कब तक, एक टाइम पीरियड दिया है, विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ द पोजीशन। जिस दिन सर्टिफिकेट इशू हो गया कि आपको पोजीशन रिकवर करनी है, यानी लैंडलॉर्ड को ये सर्टिफिकेट दिया गया कि नाउ यू विल रिकवर द पोजीशन, और उसका इस सर्टिफिकेट को इशू किए हुए 3 महीना बीत गया, और ये जो टेनेंट भाई साहब थे ये क्या कर रहे हैं, जो पोजीशन को वैकेट नहीं, यानी घर को खाली नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात। तो अब क्या होगा, तो ये जो टेनेंट है ये लायबल होंगे, अब इनके ऊपर कुछ ना कुछ
यू नो पनिशमेंट टाइप कुछ न कुछ शास्ति लगेगी, क्या लगेगी, ही शैल बी लाइबल, टेनेंट यहाँ पे अब लाइबल होगा, किस चीज़ के लिए लाइबल होगा, टू पे मेन प्रॉफिट्स एट द रेट ऑफ 2 times द रेंट इन केस द एकोमोडेशन इज लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, अगर वो एकोमोडेशन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किराए पे चढ़ाया गया था तो 2 times वो जो भी मेन प्रॉफिट था उसका 2 times वो सॉरी जो रेंट था जितना भी, जैसे मान लीजिए रेंट 10,000 था तो 20,000, अगर 7,000 था तो 14,000, जितना भी रेंट था उसका 2 times उस जो टेनेंट है उसे लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा, और अगर वो जो एकोमोडेशन है उसको किराए पे चढ़ाया गया था फॉर कमर्शियल पर्पस तो जितना भी किराया था उसका 3 times जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड को अमाउंट देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मतलब घबराना नहीं है कि ये क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, इतना ध्यान रख लीजिए रेजिडेंशियल पर्पस के लिए घर को अगर मकान को अगर किराए पे दिया गया है तो आपको 2 times ऑफ द रेंट पे करना है, किसको, लैंडलॉर्ड को पे करेगा टेनेंट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना इफ़ द टेनेंट डज नॉट वेकेट द प्रमाइसिस, यहाँ पे टेनेंट ही है जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर गया कि तुम्हें घर खाली करना है और वो नहीं खाली कर रहा है तो पैसे भी टेनेंट यहाँ पे देगा लैंडलॉर्ड को। ठीक है, तो पहला क्या है 2 times कब देना है, जब वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यानी वो परिवार के साथ वहाँ पे रह रहा है तब, और अगर उसने सिर्फ बिजनेस पर्पस से यानी जैसे समझ लीजिए अपने कोई दुकान वगैरह खोलने के लिए उसका जो मकान का एक रूम या कितना भी पार्ट किराए पर लिया था तो वो 3 times जो भी रेंट है उसका 3 times पैसा देगा, किसको, लैंडलॉर्ड को। ठीक है, ये हो गया सबसेक्शन 3। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है आपका 2 times कब देगा, 3 times कब देगा। ठीक है, अब देखो सबसेक्शन 4 क्या बोलता है सेक्शन 11 का, द रेंट कंट्रोलर शैल कंडक्ट द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स इन रिलेशन टू अ फाइनल ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर पास्ड अंडर दिस एक्ट इन समरी मैनर, किस मैनर में, जो समरी मैनर में इसको एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को एग्जीक्यूट कराना है इसको रेंट कंट्रोलर को, और कितने, विद इन 40 days फ्रॉम द सर्विस ऑफ द नोटिस ऑन अपोजिट पार्टी, जिस दिन अपोजिट पार्टी को नोटिस हो जाती है उससे 40 days के अंदर अंदर उसे ये काम कर लेना है, यानी प्रोसीडिंग्स को खत्म कर देनी है, कौन सी प्रोसीडिंग्स, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को, किस मैनर में होगी, समरी मैनर में होगी। ठीक है, तो यहाँ से भी 2 questions बनेगा, एक समरी मैनर का बनेगा और दूसरा ये बनेगा कि कितने दिन के अंदर ये प्रोसीडिंग ख़त्म हो जानी चाहिए, 40 days। अच्छा, ये भी ध्यान रख लो कि 40 days कब से काउंट किए जाएंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन ऑपोजिट पार्टी, इस दिन से आपका ये जो 40 days है ये काउंट किए जाएंगे, कब से, ऑपोजिट पार्टी को जब नोटिस सर्व कर दी गई उस डेट से, जैसे आज 1st को अगर किसी भी मंथ का ले लो, कोई भी डेट ले लो, 10th को अगर नोटिस सर्व कर दी गई है तो यहीं से काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब चलिए आगे के सेक्शंस देखते हैं, सेक्शन नंबर 12, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर 12 को आपको शेड्यूल्स के साथ पढ़ना था, मैंने बताया था, देखिए 4 schedules थी, मैं फिर से रिवाइज कराती हूँ, यहाँ पे लिखा भी है, Schedule 1 टेनेंट के राइट के बारे में बात करती है, Schedule 2 लैंडलॉर्ड के राइट के बारे में बात करती है, Schedule 3 लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशंस, और Schedule 4 टेनेंट के ऑब्लिगेशंस। ठीक है, मैं कई बार बता चुकी हूँ और अगर आपने दोनों वीडियोस देखे होंगे तो अभी तक मैं बिल्कुल श्योर होगी आपको याद हो गया होगा कि किस शेड्यूल में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं सेक्शन 12 क्या बात करता है, तो पहले तो सेक्शन 12 मार्जिनल नोट है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स, टेनेंट्स के राइट कहाँ है Schedule 1, लैंडलॉर्ड्स के राइट कहाँ है Schedule 2, ऐसे ऐसे याद कर लो ना कि 1 और 2 दोनों राइट्स के बारे में बात करते हैं, ये लैंडलॉर्ड और ये टेनेंट, ऐसे करके कुछ भी करके आप याद करो, दैट इज अप टू यू। ओके, अब इसमें प्रोवाइडेड ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका बिल्कुल बनेगा, अगर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, इन दोनों के बीच में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, किस पॉइंट पे होता है, देखो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तो हो गई, अब हमें ये देखना है कि किस पॉइंट पे ये क्लैश हो रहा है, एनी पॉइंट इन डाउट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स ऑफ रिलेटिंग टू रेंट, भाई देखो अगर रेंट को लेके क्लैश हो रहा है, मतलब लैंडलॉर्ड बोलता है मैं तो इनसे 10,000 rupees मांगा था, टेनेंट बोलता है कि नहीं इन्होंने 7,000 rupees पे अग्री किया था कि मैं आपको 7,000 rupees में ये घर किराए पे दूंगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है तो यहाँ पे बेनिफिट टेनेंट को दिया जाएगा, किराएदार को दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बी क्लॉज क्या बोलता है प्रोवाइजो का, कि अगर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है और जो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट का टॉपिक है वो क्या है, दैट इज रिटर्निंग पोजीशन, कि पोजीशन किसकी होगी, तो ऐसी सिचुएशन में बेनिफिट हमेशा लैंडलॉर्ड को दिया जाएगा। समझ में आ रहा है आपको,
यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अगर भाई रेंट को लेके दोनों के बीच में झगड़ा है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, कि नहीं रेंट 10,000 है, रेंट 7,000 है, तो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाएगा टेनेंट को। बट अगर पोजीशन को लेके कि भाई प्रॉपर्टी है किसकी, इसका पजेसरी राइट किसके पास है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बेनिफिट है वो आपके लैंडलॉर्ड को दिया जाएगा, जिसका भाई पहले से मकान है। देखो ज़रूरी नहीं है ये ओनर ही हो, मैं यहाँ पे इसका आप ये सेंस मत समझ लेना कि लैंडलॉर्ड है तो ओनर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बात यहाँ पे पोजीशन की है, यहाँ पे ओनरशिप टर्म नहीं यूज़ किया गया है, यहाँ पे पोजीशन टर्म यूज़ किया गया है। तो जब भी पोजीशन डिस्प्यूट में रहेगा तो बेनिफिट किसको दिया जाएगा, टू द लैंडलॉर्ड, ठीक है। ओके, अब देखिए सबसेक्शन 3 और 4 काफ़ी आसान है। सबसेक्शन 3 बताता है कि लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशन शेड्यूल 3 में है, और सबसेक्शन 4 बताता है कि टेनेंट के ऑब्लिगेशन शेड्यूल 4 में है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्लॉज इसमें आ रहा है, पनिशमेंट्स को लेके, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह ये ऊपर देखिए, मैं एक चीज़ बताती हूँ, सेक्शन 11 और सेक्शन 12 ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए एक एक लाइन को मैंने यहाँ पे यू नो सिंपल वर्ड्स में लिखने की कोशिश की है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अब पनिशमेंट वाला जो पार्ट है, देखिए सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, एनी विलफुल अटेम्प्ट और एक्ट बाय द लैंडलॉर्ड टू अंडरमाइन, यहाँ पे देखिए लैंडलॉर्ड जो है वो बदमाशी कर रहा है, ऐसे समझ लो, टू अंडरमाइन और डिनाई टू द टेनेंट द राइट्स अवेलेबल टू हिम इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 1। देखो शेड्यूल 1 में क्या है, टेनेंट्स के राइट है, ठीक है। अब लैंडलॉर्ड कुछ बदमाशियाँ करता है कि जो अधिकार इस टेनेंट को प्राप्त है वो ये इंजॉय नहीं कर पा रहा है, ऐसी सिचुएशन में जो लैंडलॉर्ड है इसको पनिशमेंट मिलेगी। कितनी पनिशमेंट मिलेगी वो देख लीजिए, रुपीज़ नॉट एक्सीडिंग रुपीज़ 5,000, मतलब 5,000 रुपये से ज़्यादा की नहीं, 5,000 तक की पनिशमेंट मिल सकती है, और या फिर ऑप्शनल है, या तो 5,000 तक की सज़ा और फाइन, और सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months, या फिर दोनों। देखो यहाँ पे मैंने आपका काम बहुत आसान कर दिया, क्या आसान कर दिया, अभी जितने भी पनिशमेंट्स, जितने भी लोगों को यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है ना, पनिशमेंट यही है, नॉट मोर देन 5,000 और सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months और बोथ, ठीक है। तो आप ये चीज़ यहाँ पे आसान हो गई, तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट में अगर पनिशमेंट का पार्ट आता है तो पनिशमेंट इसमें इतनी ही है, नॉट मोर देन 5,000, और सिंपल इम्प्रिजनमेंट है फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months और बोथ। आप यहाँ पे देखोगे तो यही सेम चीज़ यहाँ पे है लिखी, इसलिए मैंने हाईलाइट भी किया है ना, ताकि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो, बहुत आसानी से ये एक्ट समझ में आ जाएगा। तो पहली सबसेक्शन 5 में लैंडलॉर्ड को पनिशमेंट दी जा रही है, सबसेक्शन 6 में आपके टेनेंट को पनिशमेंट दी जा रही है। टेनेंट यहाँ पे क्या करता है, ये जो लैंडलॉर्ड शेड्यूल 2 में लैंडलॉर्ड के राइट्स है, टेनेंट कुछ इस तरह से बदमाशियाँ करता है कि लैंडलॉर्ड अब अपने राइट्स को इंजॉय नहीं कर पा रहा है, ठीक। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे है, बस खाली यू नो जो पर्सनैलिटीज़ है वो यहाँ पे चेंज हो गई हैं। अब देखिए सबसेक्शन 7 में क्या है, एनी अटेम्प्ट बाय द लैंडलॉर्ड टू नेग्लेक्ट फॉर अनसबस्टैंशियल और इनसफिशियंट रीजंस द ऑब्लिगेशंस इंजॉयड अपॉन हिम इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 3, ये सेम वही बात है। अब देखो राइट्स एक दूसरे को इंजॉय नहीं करने दे रहे हैं तो पनिशमेंट मिल रही है। दूसरा ये बात होती है कि ऑब्लिगेशन की भी तो बात है, लैंडलॉर्ड के ऊपर ऑब्लिगेशन है शेड्यूल 3 में, टेनेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन है शेड्यूल 4 में, अब इनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं ये उससे भी निर्वाह नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी इनको पनिशमेंट मिलेगा, और बहुत आसान सी बात है, पनिशमेंट सेम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शेड्यूल सेक्शन नंबर 12, जिसको पढ़ना था आपको शेड्यूल्स के साथ। अब देखिए जो दोनों ये चारों शेड्यूल हैं, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैं आपको बता दूंगी कि शेड्यूल में क्या क्या चीज़ें दी हैं। उससे पहले सेक्शन 13 हम देख लेते हैं। सेक्शन 13 अपील की बात करता है, अपील में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अपील है वो कहाँ जाती है, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास। तो यहाँ पे क्या मेंशन है देखते हैं, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रारी कंटेंट इन दिस एक्ट, आर लैंडलॉर्ड और टेनेंट अग्रीव्ड बाई एनी ऑर्डर ऑफ द रेंट कंट्रोलर शैल हैव द राइट टू अपील इन द प्रिस्क्राइब मैनर विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम टू द RCT। वही सेम चीज़ है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में पहले ये कहा गया था कि RCT का अगर कोई ऐसा ऑर्डर पास करती है जिसके अगेंस्ट में आप अपील में जाना चाहते हैं, तो यू विल मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। बट इस प्रोविजन को आपके 2019 में अल्ट्रा वायस घोषित कर दिया गया था इन अ वेरी लैंडमार्क केस। ये लैंडमार्क केस आप नोट कर लीजिए, पिछले स्लाइड में भी मैंने आपको बताया, बट उस समय केस मुझे याद नहीं आ रहा था, अभी देखिए मुझे याद आया है, राजेंद्र दीवान वर्सेस प्रदीप कुमार, ठीक है, ये जो केस था 10 दिसंबर 2019, इस डेट को
सुप्रीम कोर्ट ने इसको अल्ट्रा वायस घोषित कर दिया, सबसेक्शन 2 को अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यानी कि अब जो अपील है वो आपके आरसीटी के पास ही जाएगी, और आरसीटी की जो पावर है वो इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट दी गई है इन मैटर्स ऑफ रेंट, ठीक है ना। तो आरसीटी के पास यहाँ पे अब अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट की का रोल जो था वो ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद देखिए सेक्शन 13A है, एक पावर टू मेक रूल्स, ध्यान रखना है काफ़ी आसान है, बस आपको पता होना चाहिए 13A में क्या है, पावर टू मेक रूल्स है और कौन पावर बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए जो चारों शेड्यूल है मैंने बताया था कि वो भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, शेड्यूल सब देख लेते हैं कि शेड्यूल में दिया क्या है, ठीक है। तो शेड्यूल 1 सेक्शन 12(1) के साथ पढ़ना है, और किस चीज़ के बारे में शेड्यूल 1 बात करता है, टेनेंट्स के राइट्स के बारे में। तो क्या क्या राइट, क्या क्या अधिकार है टेनेंट्स के पास, जैसे राइट टू रिसीव एट द कमेंसमेंट ऑफ टेनेंसी अ कॉपी ऑफ द अग्रीमेंट, मतलब जब से ये हमारा ये टेनेंसी स्टार्ट हुई है तो जो अग्रीमेंट हुआ था ना लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, उसकी कॉपी मिलनी चाहिए टेनेंट को, किराएदार को, ठीक है, ये एक अधिकार है टेनेंट का। दूसरा देखते हैं राइट टू रिसीव रिसीट अगेंस्ट पेमेंट्स मेड टू द लैंडलॉर्ड इधर बाय वे ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट रेंट और एनी अदर, जो भी पैसा टेनेंट जो किराएदार है वो लैंडलॉर्ड को देगा उसकी रसीद, उसकी रिसीट ये लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है। अब देखिए यहाँ से ये भी समझ में आ गया ना कि ऑब्लिगेशन है लैंडलॉर्ड के ऊपर कि वो रिसीट टेनेंट को देगा, ठीक है ना। राइट टू रिसीव अकोमोडेशन इन अ गुड एंड टेनेबल स्टेट बिफोर ऑक्यूपेशन, मतलब जब हम घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो उस समय ये टेनेंट का राइट होता है कि घर आपको एक अच्छे व्यवस्थित ढंग में मिले, ऐसी सिचुएशन में रहे, ऐसी कंडीशन में रहे कि रहने लायक रहे, इसलिए बोला गया इन अ गुड एंड टेनेबल स्टेट बिफोर ऑक्यूपेशन। उसके बाद क्या राइट टू एंजॉय क्वाइट पोजिशन ऑफ द अकोमोडेशन, मतलब शांति से रहने का अधिकार ये टेनेंट का है, ये नहीं कि आपके यहाँ किराएदार आ गया तो आप उसको शोर कर रहे हो या परेशान कर रहे हो किसी भी तरीके से। राइट टू ऑल फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द अकोमोडेशन इन अ वर्किंग एंड फंक्शनल मैनर, ठीक है। यहाँ पे टेनेंट के पास ये राइट है कि जितनी भी फैसिलिटीज या अमेनिटीज हैं जो भी अकोमोडेशन में है उनका राइट भी रहेगा टेनेंट के पास, और वो सब वर्किंग मैनर में होनी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया है ना, वाटर सप्लाई हो गया, ये सारी चीज़ें, तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रॉपर हो, वाटर सप्लाई भी प्रॉपर हो, ये सब कुछ फंक्शनल मैनर में हो, टेनेंट का राइट होता है। राइट टू रूटीन एनुअल अपकीप एंड फेस लिफ्ट ऑफ द अकोमोडेशन बाय द लैंडलॉर्ड, ठीक है, यानी कि रूटीन एनुअल अपकीप जो है वो भी अधिकार है टेनेंट के पास, ठीक है। और मतलब वो बार टेनेंट से जाके अगर कोई समस्या होती है तो उसके बारे में भी बोल सकता है कि आपको ये ठीक कराना पड़ेगा, कोई जो मेजर टाइप की समस्या होती है उससे रिलेटेड बात है, छोटी मोटी चीज़ होती है तो वो तो फिर जैसे लैंडलॉर्ड ने ही गड़बड़ किया तो फिर वो लैंडलॉर्ड ही ठीक करवाए, है ना। उसके बाद क्या है गारंटी अगेंस्ट एनी विलफुल कटिंग ऑफ एसेंशियल सप्लाईज लाइक वाटर इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको गारंटी करनी पड़ेगी लैंडलॉर्ड को, इस चीज़ की गारंटी देनी पड़ेगी कि जिस जो एसेंशियल सप्लाईज हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर इसको कट नहीं करेगा आपका लैंडलॉर्ड, ये गारंटी उनको देनी पड़ेगी, यानी अनकट सप्लाई ऑफ एसेंशियल्स, ये भी राइट होता है किसका टेनेंट का। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ टेनेंसी सब्जेक्ट टू अ नॉन इम्पिंगमेंट अपॉन द राइट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड इंक्लूडिंग शेड्यूल 2, ठीक है। शेड्यूल 2 देख लेते हैं, आई थिंक यहाँ पे सिक्योरिटी की बात हो रही है, अभी शेड्यूल 2 देखते हैं तो ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। वैसे यहाँ पे सिक्योरिटी की ही बात है जैसे लिखा है ना सिक्योरिटी ऑफ टेनेंसी, बाकी यहाँ पे थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि शेड्यूल 2 में क्या दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 देखते हैं, इसको पढ़ना है सबसेक्शन 2 के साथ। अब ये बात करते हैं लैंडलॉर्ड के अधिकारों के बारे में। तो लैंडलॉर्ड का जो पहला अधिकार है दैट इज सिक्योरिटी ऑफ टाइटल ओवर अकोमोडेशन, भाई जो घर है जो मकान है हमने तुमको किराए पे दिया है रहने के लिए, वो घर आपका नहीं हो गया, ठीक है, आप वहाँ कुछ समय के लिए ही रह रहे हैं, तो टाइटल का जो राइट है उस घर का जो अधिकार है वो किसका है, वो लैंडलॉर्ड का है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ टेनेंसी। यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ज़रूरी नहीं कोई एक साल दो साल तीन साल रहे, हो सकता है बहुत सालों 12-12, 15-15 साल तक किराएदार रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इतने लंबे समय तक रह रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि वो घर आपका हो गया, उसमें जो टाइटल का जो राइट है वो अभी भी लैंडलॉर्ड का है, ठीक है। राइट टू डिमांड एंड रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 3 months रेंट। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ ध्यान रखनी है कि जो लैंडलॉर्ड है उसका ये राइट बनता है कि वो आपसे रेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट, यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट की बेसिकली बात की गई है, रेंट तो वो लेगा ही, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 3 महीने के रेंट से ज़्यादा का नहीं डिमांड कर सकता है, और बट 3 महीने का रेंट आपको मतलब एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकता है।
उसके बाद क्या है, राइट टू रिसीव रेंट रेगुलरली ऑन और बिफोर द ड्यू डेट इन द मैनर अग्रीड, मतलब रेंट लेने का उसका राइट है. राइट टू रिसीव एनुअल इंक्रीमेंट इन रेंट, कि भाई अगर रेंट में कुछ एनुअल इंक्रीमेंट करना है तो वो भी उसका राइट है. अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विच रेट शैल नॉट एक्सीड 5% इन केसेस वेयर मंथली रेंट इज 2000 और लेस एंड 10% इन ऑल अदर केसेस. तो भाई अगर रेंट उस अकोमोडेशन का 2000 या उससे कम है तो सिर्फ 5% वो रेंट बढ़ा सकता है, और अगर 2000 से ज़्यादा का रेंट है तो वो 10% रेंट वहाँ पे इंक्रीमेंट कर सकता है उसमें. उसके बाद क्या है, राइट टू डिमांड एंड रिसीव अमाउंट्स करस्पॉन्डिंग टू एनी इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी वाटर. अगर भाई बिजली का बिल बढ़ जाता है, वाटर का बिल बढ़ता है, तो ये अगर एडिशनल बिल पड़ रहा है तो वो डिमांड आप बिल्कुल लैंडलॉर्ड कर सकते हैं टेनेंट से. राइट टू इंस्पेक्ट द अकोमोडेशन ड्यूरिंग डे टाइम विद प्रायर अपॉइंटमेंट ऑफ द टेनेंट इन द प्रेजेंस ऑफ टेनेंट और एनी मेल अडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली नोन टू रिजाइड विद हिम. अगर ये लैंडलॉर्ड चाहता है कि वो इंस्पेक्शन करे उस मकान का, उस रूम का, अकोमोडेशन का, तो उस वो कर सकता है, बट उसको पहले टेनेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और किसी मेल मेंबर के प्रेजेंट में ही इस तरह का इंस्पेक्शन अलाउड है. ठीक है. राइट टू ऐड और इम्प्रूव और एक्सपेंड अकोमोडेशन या फिर इंक्रीज एमिनिटीज, ये लैंडलॉर्ड के पास राइट है कि वो अपना घर बड़ा कर सकता है, एमिनिटीज को बढ़ा सकता है. प्रोवाइडेड हाउएवर दैट इफ द एडिशन एक्सपेंशन वाज डन विदाउट कंकरेंस ऑफ द टेनेंट द लैंडलॉर्ड शैल नॉट हैव द राइट टू इन्फोर्स इंक्रीज्ड रेंट ऑन द टेनेंट. ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जैसे क्या होता है कि लैंडलॉर्ड का तो अपना घर, ठीक है, मतलब पोजीशन उनके पास है, तो लैंडलॉर्ड ने सोचा कि मैं एक रूम और बनवा दूँ या मैं कुछ सुविधाएं और बढ़वा दूँ, मैं सोलर पैनल ऊपर लगवा देता हूँ या मैं एसी लगवा दूँ, कुछ भी करवा दूँ, तो उसमें क्या है कि आपको टेनेंट को बताना पड़ेगा. आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप अपनी मर्जी से वहाँ पे सोलर पैनल लगवा दें और फिर टेनेंट को बोले कि अब आप मुझे 5000 और एक्स्ट्रा दो क्योंकि मैंने यहाँ पे सोलर पैनल लगवाया है. ठीक है, वो आपकी फिर अपनी पर्सनल चॉइस है, उसका पैसा देने के लिए टेनेंट बाउंड नहीं होगा, बट अगर टेनेंट के कंकरेंस के साथ आपने लगवाया है तो टेनेंट को फिर उसका रेंट देना पड़ेगा साथ में एडिशनल अमाउंट. ठीक है, आगे देखते हैं. राइट टू अंडरटेक रूटीन एनुअल अपकीप ऑफ द अकोमोडेशन, मतलब रूटीन एनुअल अपकीप का मतलब होता है कि एक रूटीन के हिसाब से वो अपने घर को जाके देख सकता है कि साफ़ सफाई रख रहे हैं कि नहीं, कोई चीज़ तोड़ी फोड़ी तो नहीं है, ये सब कुछ. ठीक है. राइट टू मेक एप्लीकेशन टू द रेंट कंट्रोलर सीकिंग रिवीजन इन रेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट. अगर लैंडलॉर्ड ये चाहता है कि वो रेंट में कुछ रिवीजन करवाए, सिक्योरिटी डिपॉजिट में कुछ रिवीजन करवाए, तो एप्लीकेशन लिख सकता है वो रेंट कंट्रोलर को. ठीक है, कि हम अपने रेंट में या सिक्योरिटी डिपॉजिट में कुछ रिवीजन कराना चाहते हैं. राइट टू अप्लाई टू द रेंट कंट्रोलर सीकिंग फेयर कॉम्पनसेशन फ्रॉम द टेनेंट फॉर डैमेजेस कॉज्ड टू द एकोमोडेशन विलफुली नेग्लिजेंटली और अदरवाइज एट्रीब्यूटेबल टू द टेनेंट. अब क्या होता है कि टेनेंट ने मान लीजिए घर में पहले से एसी लगी हुई थी, ये पहले जब किराया पे लिया मान लो तब की बात है कि एसी लग के रखी थी, तो टेनेंट ने अगर लैंडलॉर्ड की एसी तोड़ दी, ठीक है, या घर में कुछ डैमेज कर दिया, दीवार में कुछ कर दिया या कुछ भी एनीथिंग, जैसे स्लैब वगैरह किचन में कुछ डैमेज कर दिया, तो रेंट कंट्रोलर के पास अप्लाई करके लैंडलॉर्ड उससे फेयर कॉम्पनसेशन ले सकता है. राइट टू सीक फ्रॉम रेंट कंट्रोलर इविक्शन ऑफ द टेनेंट इन द ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. अब कुछ यहाँ पे ग्राउंड्स दिए हुए हैं, इन ग्राउंड्स पे जो रेंट कंट्रोलर से एप्लीकेशन लिख के लैंडलॉर्ड इविक्शन करा सकता है ऑफ द टेनेंट. ये ग्राउंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. इफ़ द टेनेंट इज़ अ हैबिचुअल डिफॉल्टर इन पेमेंट ऑफ रेंट. ठीक है, हैबिचुअल डिफॉल्टर है यानी 12 महीने, एक साल का टाइम बीत गया और 3 बार से ज़्यादा ये डिफॉल्ट कर चुका है, रेंट नहीं दिया है. ऐसे सिचुएशन में लैंडलॉर्ड अगर चाहे तो रेंट कंट्रोलर के पास जाके बोल सकता है कि भाई ये जो हमारे किराएदार हैं इनको आप हमारे घर से अब बेदखल करिए. ठीक है, इसमें देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सारे ग्राउंड्स ही प्रूव होने ज़रूरी नहीं है, इनमें से एक भी कोई ग्राउंड प्रूव करके लैंडलॉर्ड टेनेंट का एविक्शन करा सकता है. दूसरा पॉइंट देख लेते हैं. इफ द टेनेंट कॉजेज और अलाउज टू बी कॉज सब्सटेंशियल डैमेज टू द अकोमोडेशन फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, मतलब उनके घर में अगर वो डैमेज कर देता है, चाहे छोटा मोटा डैमेज हो चाहे बड़ा डैमेज हो, ऐसी सिचुएशन में भी लैंडलॉर्ड उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं. इफ द टेनेंट यूजेज अकोमोडेशन फॉर पर्पज अदर देन फॉर विच इट वॉज लीज्ड आउट, जिस पर्पज़ के लिए आपको घर लीज पे दिया गया था, मतलब भाई रहने के लिए दिया गया था ना फैमिली के साथ, तो आप प्रॉपर तरीके से वहाँ रहिए. आपको कमर्शियल पर्पज़ से दिया गया था तो आप अपना कमर्शियल वर्क करिए. अगर उसके अलावा कोई आप इमोरल एक्ट या कुछ भी गलत तरीके का इलीगल काम करते हैं तो भी टेनेंट लैंडलॉर्ड आपको घर से बाहर कर सकता है.
उसके बाद क्या है, इफ़ द टेनेंट बिकम्स अ सोशल न्यूसेंस, अगर भाई बदमाश टाइप का है कि सबको परेशान कर रहा है, इफ़ द टेनेंट इज़ कन्विक्टेड अंडर एनी सेक्शन ऑफ द आईपीसी, अगर लैंडलॉर्ड को पता चलता है कि ये जो है इसको कन्विक्ट किया गया है किसी आईपीसी के किसी भी सेक्शन के तहत, तब फॉर कैरिंग आउट मेजर रिनोवेशन वर्क विच इज़ नॉट पॉसिबल विद द टेनेंट्स हाउस डिन। अब जैसे लैंडलॉर्ड को अपने घर में मेजर रिनोवेशन कराना है, जैसे समझ लो कि लैंडलॉर्ड के बच्चे थे वो सब बाहर रहते थे या पढ़ने के लिए बाहर गए थे, अभी क्या है कि उनकी शादी वगैरह करनी है और अब वो लोग भी वहीं आके रहेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में फिर टेनेंट को बाहर ही भेजना पड़ेगा ना, क्योंकि वो वहाँ रहेगा तो फिर बच्चे कैसे रहेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में पॉसिबल ही नहीं है कि टेनेंट के वहाँ रहते वो रिनोवेशन करा सके, तो फिर लैंडलॉर्ड टेनेंट को केक को एविक्शन के लिए बोल सकता है। On 3 months notice to tenant in writing if the accommodation is required for own occupation or own occupation by member of the family including spouse, parents, sons, daughter, daughter-in-law, son-in-law। इसमें क्या है कि अगर अपने खुद के occupation के लिए चाहिए तो ऐसे situation में 3 महीने की notice दे दीजिए आप tenant को और उसके बाद फिर उसको eviction करा के आप अपना काम कर सकते हैं। फिर ये चीज़ time period ध्यान रखना। दूसरे में क्या है, H में on 6 months notice to the tenant in writing without any obligation to assign any reason but on the condition that accommodation will not be leased out at a higher rent for at least 12 months thereafter। ठीक है, अब अगर मतलब आप नहीं बताना चाहते कि हम किराएदार को क्यों हटाना चाहते हैं तो आपको 6 महीने पहले बता देना पड़ेगा कि भाई आप हमारा घर से अभी निकल जाइए, बट आपको एक कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई होती है कि आप 1 साल के अंदर जो रेंट रहा है उस मकान का उतना ही रखेंगे, उससे ज़्यादा उसे नहीं बढ़ाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज 12th पॉइंट, राइट टू रिसीव बैक द अकोमोडेशन एट द एंड ऑफ द टेनेंसी इन अ शेप है ना, मतलब जिस भी तरह से आपने उस घर को दिया था उस सेम शेप सेम पोजीशन में आपको अपना घर वापस लेने का पूरा पूरा राइट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शेड्यूल 2। अब देखते हैं शेड्यूल 3 बात करता है लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करता है। ठीक है, पहला जो ऑब्लिगेशन दैट इज़ टू एडमिट अ टेनेंट ओनली आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अग्रीमेंट ड्यूली नोटराइज्ड एज रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट। तो मतलब अग्रीमेंट बनाया है, अग्रीमेंट बनाना ज़रूरी है, उसको आप नोटरी से जाके नोटराइज करवा लीजिए, उसके बाद ही फिर आप किसी को अपने घर में एज अ टेनेंट रखेंगे, ये ड्यूटी होती है ऑफ द लैंडलॉर्ड। टू फाइल इंफॉर्मेशन ऑन सच प्रोफॉर्मा एज मे बी प्रेस्क्राइब बिफोर द लोकल पुलिस स्टेशन विद इन 7 डेज। 7 दिनों के अंदर अंदर ही आपको पुलिस वाली जो भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे इत्तला करनी पड़ेगी कि टेनेंट के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेंगी। ठीक है, टू गिव प्रॉपर रिसीट टू द टेनेंट अगेंस्ट ऑल पेमेंट्स रिसीव, जितने भी पैसे आपको टेनेंट ने दिए हैं वो सारी रसीद भी आपको देनी पड़ेगी टेनेंट को। ठीक है ना, कि आपने इतने इतने पैसे दिए। टू अलाउ द टेनेंट क्वाइट इंजॉयमेंट ऑफ द अकोमोडेशन, मतलब आपको टेनेंट को शांति से रहने देना है ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक, टू कीप द अकोमोडेशन एंड प्रमाइसिस इन अ गुड एंड टेनेबल स्टेट रिपेयर एट ऑल टाइम, कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो घर है उसको अच्छे कंडीशन में रखें, ये नहीं कि छत से पानी गिर रहा है या फिर कुछ टंकी रख गई है टंकी ख़राब है, इस टाइप से नहीं, आपको उसे गुड एंड टेनेबल सिचुएशन में रखना है आपका जो अकोमोडेशन है उसे। टू डवटेल द सिस्टम फॉर डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक गार्बेज टू द सिस्टम डिजाइन बाय द सिविक बॉडी, मतलब जो गार्बेज है जो कूड़ा वगैरह फेंकने की अच्छी व्यवस्था आपको वहाँ पे रखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि कूड़ा कहाँ फेंकें तो आप टेनेंट पे छोड़ दो कि तुम्हारी जहाँ मर्जी हो या इधर उधर, ऐसे नहीं होता है, वो प्रॉपर आपको सिस्टम वहाँ पे देना पड़ेगा। टू अंडरटेक विद रीजनेबल प्रॉम्प्टिट्यूड ऑल मेजर स्ट्रक्चरल रिपेयर्स एट्रीब्यूटेड टू द डिफेक्ट्स इन कंस्ट्रक्शन और नेचुरल एजिंग ऑफ द हाउस, मतलब अगर घर में कुछ भी कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम होता है मेजर कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम तो वो भी आपको कराना पड़ेगा, अनलेस कि अगर टेनेंट ने बदमाशी कुछ की है तो फिर वो आपके ऊपर नहीं आएगा, वो टेनेंट को रिपेयर कराना पड़ेगा। टू प्रोवाइड वेर एवर अलाउड बाई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अ सेपरेट एंड एक्सक्लूसिव मीटर, कि आप ऐसा नहीं है कि आपके घर का मीटर जो है वो ही टेनेंट के घर का मीटर है, ऐसा नहीं, आपका मीटर अलग होगा लैंडलॉर्ड का अलग और टेनेंट को आपको अलग मीटर देना पड़ेगा जो कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने प्रेस्क्राइब किया है उतना, और उसमें जो मीटर की रीडिंग वगैरह है फिर बाकी चीज़ें तो उसी हिसाब से सेट होंगी, है ना। नेवर टू विलफुली कट ऑफ एसेंशियल सप्लाइज़, की जो भी एसेंशियल सप्लाइज है उसे आप जबरदस्ती जानबूझ कभी कट नहीं करेंगे। नेवर टू एक्सरसाइज राइट टू एंटर अकोमोडेशन फॉर इंस्पेक्शन इन द एब्सेंस ऑफ टेनेंट, मतलब टेनेंट घर में नहीं है तो आप उसके घर में जाके इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हैं, टेनेंट जब प्रेजेंट रहेगा या फिर उसके घर का कोई मेल मेंबर जो रहता हो वहाँ पे जब वो प्रेजेंट रहेगा तभी आप उसके घर में इंस्पेक्शन कर सकते हैं।
ठीक है, टू अंडरटेक एनुअल अपकीप ऑफ द अकोमोडेशन, कि मतलब आप साल में एक बार अपने अकोमोडेशन के बारे में आपको जाके देखना, उसमें कुछ दिक्कत हो तो उसे ठीक कराना, ये सब आप करिए, ये सब लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है। टू अलाउ द टीनेंट टू डू सो बाय अलाउइंग हिम एक्सपेंसेस ऑन एक्चुअल बेसिस सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम अमाउंट इक्वल टू 1 month's रेंट। मतलब अगर आप चाहते हैं कि भाई टेनेंट को बोलते हैं कि आप ही करा लो ठीक, तो टेनेंट भी ऐसा कर सकता है, बट उस ये है कि एक्सपेंस उसके ऊपर जो एक महीने का उसका रेंट है मान लो 10,000 है, तो इससे ज़्यादा का नहीं आना चाहिए, इससे ज़्यादा का है तो लैंडलॉर्ड को करना पड़ेगा, ठीक है। और बाद में फिर ये पैसे भी उसमें जैसे होते हैं ना, आप आपस में उसको बैलेंस कर लें। नेवर टू अडॉप्ट और थ्रेटन टू अडॉप्ट एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड्स फॉर एविक्शन टू प्रेशर द टेनेंट टू वेकेट द अकोमोडेशन, कि मतलब जो भी अगर आपको टेनेंट को एविक्ट कराना है तो आप जुडिशियल मेथड ही अप्लाई करेंगे, कभी भी एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड या जैसे होता है ना कि कुछ गुंडे लोगों को बुला के इस तरह से आप घर से बाहर निकलवा दो, ये काम नहीं कर सकते हैं। टू रिफंड सिक्योरिटी डिपॉजिट टू द आउटगोइंग टेनेंट बिफोर क्लोजर ऑफ टेनेंसी, टेनेंसी जब खत्म होने वाली हो उस समय आपको जितने भी सिक्योरिटी डिपॉजिट थी, जितना भी पैसा था, वो पैसा आपको टेनेंट को रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट शेड्यूल फोर, शेड्यूल फोर को सेक्शन 12(4) के साथ पढ़ना है। अब ये टेनेंट्स की ऑब्लिगेशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज टू एक्नॉलेज एट ऑल टाइम्स द टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड ओवर द अकोमोडेशन एंड टू रिस्पेक्ट एंड ऑनर विदाउट डिम्यूर हिज राइट्स एज सेट इन 4th शेड्यूल 2। मतलब टेनेंट वहाँ पे रह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वही उस घर का मालिक हो गया, पजेसरी राइट लैंडलॉर्ड के पास है। टेनेंट की ऑब्लिगेशन बनती है कि आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट करें और उसको अक्नॉलेज करें, ठीक है। टू यूज़ द अकोमोडेशन ओनली फॉर द पर्पज़ फॉर विच इट वॉज लीज आउट टू हिम, जिस पर्पज़ के लिए आपने किराए पे लिया है उस घर को, चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पज़ हो चाहे कमर्शियल पर्पज़ हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। नेवर टू सबलेट एनी पोर्शन ऑफ द अकोमोडेशन विद और विदाउट मॉनिटरी कंसिडरेशन फॉर्मली और इनफॉर्मली विद और विदाउट द परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड। मतलब आप खुद वहाँ पे किराएदार हैं तो आपको ये राइट नहीं है कि आप उस घर को किसी और को किराए पे रख दें, यानी सबलेट कर दें, ठीक है। जैसे क्या होता है कि लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को अपने यहाँ किराए पे रखा, अभी टेनेंट बहुत स्मार्ट बनता है तो इसने क्या किया, एक T1 करके एक बंदा था उसको अपने अंडर में किराए पे रख लिया, तो ये काम नहीं है, सबलेटिंग बोलते हैं, सबलेटिंग नहीं कर सकता टेनेंट। टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड द अकोमोडेशन एंड ऑल इलेक्ट्रिकल सैनिटरी एंड अदर फिक्स्चर्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द अकोमोडेशन, जो भी घर में एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ दी गई हैं इलेक्ट्रिकल और बाकी इस तरह के टैप वगैरह सब कुछ, वॉशरूम किचन में जो भी सारी चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना, ये राइट भी, ये ऑब्लिगेशन है टेनेंट का। ये नहीं कि वो घर आपका हो गया तो आप तोड़फोड़ मचा दें वहाँ पे, है ना, ऐसा नहीं करना, और अगर ऐसा होता है देन यू हैव टू पे। उसके बाद टू अटेंड टू द माइनर रिकरिंग रिप्लेसमेंट्स एंड रिपेयर्स एज मे बी नेसेसरी फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट एक्सपेक्टिंग रिइंबर्समेंट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। भाई अगर छोटी मोटी कुछ टूट फूट जाता है, आप जैसे डेली पैरलेंस में यूज़ कर रहे हैं उस घर को, अगर कुछ भी किचन में जैसे टैप खराब हो गया, वॉशरूम में कुछ गड़बड़ हो गई, तो छोटी मोटी चीज़ें आप खुद ठीक कराइए, क्योंकि आपकी मिस्टेक से गड़बड़ हुआ है, उसमें आप ये उम्मीद मत करिए कि मैंने टैप लगवाया तो उसका जो चार्जेस है वो लैंडलॉर्ड पे करे। जो मेजर अगर कुछ चेंज कराना है दैट लैंडलॉर्ड हैज़ टू पे, बट लिखा हुआ है ना माइनर अगर चीज़ें देन यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। फिर क्या है, टू कीप द अकोमोडेशन इन अ क्लीन एंड हाइजीनिक स्टेट, घर है किसी का तो ऐसा नहीं कि आप गंदगी मचा के वहाँ पे रह रहे हैं, इस बेसिस पे आपका इविक्शन तक कराया जा सकता है, तो यू विल हैव टू कीप द अकोमोडेशन इन अ क्लीन एंड हाइजीनिक स्टेट एंड नॉट टू कॉज एयर वाटर नॉइस पोल्यूशन। शोर भी नहीं मचा सकते कि आप घर में बहुत तेज़ साउंड बजा रहे हैं या कुछ भी, इस तरह का काम नहीं करना है, ठीक है, पीसफुली रहना है वहाँ पे। टू डिस्पोज ऑफ गार्बेज इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम डिजाइन बाय द म्यूनिसिपैलिटी, जिस तरह से सभी बाकी लोग अपने घर का गार्बेज डिस्पोज ऑफ करते हैं उसी तरह से आपको भी करना है। टू पे द सिक्योरिटी डिपॉजिट रेंट एंड अदर फीस अदर ड्यूज फुली एंड रेगुलरली इन द मैनर, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट और रेंट सब टाइमली पे करना है, ठीक है। टू कॉम्पनसेट द लैंडलॉर्ड फॉर एनी डैमेज कॉज टू द अकोमोडेशन विलफुली और अदरवाइज, अगर जानबूझ के आपने अकोमोडेशन में कोई डैमेज किया है तो आपको लैंडलॉर्ड को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, ठीक। नेवर टू बिकम अ सोशल न्यूसेंस, मतलब आपको सोशल न्यूसेंस नहीं बनना है। सोशल न्यूसेंस क्या होता है इसके बारे में देखिए, कुछ ग्राउंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं एक्सप्लेनेशन में, सोशल न्यूसेंस देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें ये कंसिडर किया जाएगा कि नाउ सोशल न्यूसेंस हैज़ बीन डन। तो सोशल न्यूसेंस मतलब होता है मींस डूइंग और कॉजिंग टू बी डन एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, जैसे अगर आपने ड्रंकन बॉस यानी अगर मतलब आप बहुत ड्रिंक करके आके हंगामा करते हैं, या फिर वाइफ बैशिंग अगर आप घर में घरेलू हिंसा मारपीट करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हैं, हैबिचुअल लेट नाइट नॉइजी सोशलाइजिंग, कि आप जैसे रात में 11-12 बजते हैं आप बहुत तेज़ साउंड चला देते हो, गाना बजा देते हो,
इट इज़ नॉट अलाउड, ये सोशल न्यूसेंस की कैटेगरी में आएगा। एंड और अदरवाइज क्रिएशन ऑफ एबनॉर्मल नॉइज, मतलब उल्टी सीधी आवाज़ें निकालना, या घर में होता नहीं ठोका पेटी करना कि ऊपर रहने वाले या नीचे रहने वाले परेशान हो, कंस्ट्रूड बाई द नेबरहुड एज डिस्टर्बेंस, जिसको नेबरहुड कंसिडर करे कि हम डिस्टर्ब होते हैं, स्पिटिंग इन कॉमन फैसिलिटीज़ लाइक स्टेयर केस, जैसे होता है सीढ़ियों पर आप पान थूकने की इस तरह की आदत हो जाती है, या कुछ भी ऐसे नॉर्मल स्पिटिंग की भी, इट इज़ ऑल्सो, ये भी सोशल न्यूसेंस में आएगा। स्टोरेज ऑफ एनी हजार्डस स्टफ, अगर आप अपने घर में कुछ हजार्डस, मतलब ऐसी कोई चीज़ आप अपने घर में स्टोर करते हो जो हजार्डस है, इस तरह का काम भी, चीज़ें भी स्टोर नहीं करनी है। स्टोरेज ऑफ एनी स्टफ़ विद ऑफेंसिव ऑर्डर, आपने अपने घर में कुछ ऐसे स्टोर किया है जो बहुत, जिसकी स्मेल बहुत ही गंदी है, लोग नहीं रह पा रहे हैं आसपास में, वो काम भी नहीं करना है। दैट फाउल्स ऑफ द सराउंडिंग, और दैट एबनॉर्मली इनवाइट पेस्ट, की उतना गंदगी है कि उसकी वजह से कीड़े मकौड़े उस घर में आ रहे हैं और बाकी लोग भी परेशान हो रहे हैं जो आस पड़ोस में रहते हैं। लिटरिंग ऑफ गार्बेज, आप कूड़े को प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करते हो बल्कि कूड़े को ऐसी सड़क पे उठा के फेंक देते हो या गेट के सामने छोड़ देते हो, तो ये भी अलाउड नहीं है, सोशल न्यूसेंस में ये कवर हो जाएगा। और लेटिंग लूज वाटर, वेस्ट वाटर, कि आपने टैप छोड़ के चला के छोड़ दिया, उसको बंद नहीं करते हैं, पानी बह रहा है, स्पॉइलिंग द एनवायरनमेंट बाय डूइंग और प्रमोटिंग डेफिकेशन, कि मतलब गंदगी आप फैला रहे हो, डेफिकेशन कर रहे हो। एंड और एनी एक्ट दैट हैज़ बैड और डैमेजिंग सोशल इफेक्ट, ठीक है, इसमें और भी एक्ट्स आपके इंक्लूडेड हो जाएंगे। आप कैसे चेक करोगे, ऐसा कोई भी एक्ट जो डैमेजिंग है टू द सोसाइटी, ठीक है ना, इस टाइप के जो भी एक्ट्स हैं सब सोशल न्यूसेंस में कवर होंगे, ठीक है। सो ये रहा आपका सोशल न्यूसेंस, और यहीं पे आपका छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट आज पूरा कंप्लीट होता है, और मैंने साथ में MCQs भी सॉल्व करवाए। इस वाली स्लाइड में अभी मैं MCQs नहीं ला पाई, क्योंकि मेरा ये था कि मैं एक्ट को पहले पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये तीन वीडियोस हैं, तीन वीडियोस में आपका छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट पूरा कंप्लीट है। मैंने बहुत बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की है, अगर आपको समझ में आया है तो आप इससे हेल्प लीजिए, और अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो कीप स्टडिंग, और काफ़ी आसान है ये एक्ट, इससे घबराना और डरना नहीं है, आपको बहुत आराम से कवर हो जाएगा। मिलते हैं फिर आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग।